पत्र में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के समापन अधिवेशन के अंदर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पशुपालन मत्स्य एवं जिन्होंने एग्रीकल्चर सहित कई विभागों को राज्य में संभाला, केंद्र में संभाला, जिनको सहकारिता का एक लंबा अनुभव है, माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, इस सहकारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी जी, क्रबोको के और हमें खुशी के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन में पहली बार सहकारी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी यादव साहब, नेफेड के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नेशनल अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता जी, सुनील कुमार सिंह जी, विजय कुमार जी, सुधीर महाजन जी, मंच में विराजे सभी अतिथिगण और नेपाल से भी आए हमारे सभी प्रतिनिधि भाइयों और देश के अलग अलग राज्यों से आए सभी सहकारी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अब अभिनंदन करता हूं। सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले आप सभी महान भावों ने दो दिन तक एक गहन चिंतन किया, मनन किया, चर्चा की और किस तरीके से हम सहकारिता के क्षेत्र के माध्यम से समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, इसके लिए आपने कई सत्रों के अंदर चर्चा की है। मुझे आशा है इन सत्रों में महत्वपूर्ण सुझाव आए, अपने अपने अनुभव आए और हमने एक अनुभवों को साझा करते हुए और किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेज कोऑपरेटिव में अपनाई जाए, किस तरीके से हमारी दक्षता को बेहतर की जाए, हमारी कार्यकुशलता को अच्छा किया जाए और किस तरीके से सहकार से समृद्धि की ओर हम बढ़ सकें, इसके लिए आपने व्यापक चर्चा की। सहकारिता हमारे मूल स्वभाव में है, हमारे चिंतन में है, हमारे कार्यशैली में है, हमारे व्यवहार में है और इसलिए जब हमारा जीवंत लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं सारी की सारी सहकारिता के आधार पर है। सही कहा पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कि लोकतंत्र चलता है सबके सहयोग से, सबके साथ मिलकर, सबके अनुभवों का, विचारों का मंथन और विचार और मंथन से जो अमृत निकलता है उस अमृत से समाज का कल्याण। और ये मूल धारणा बेसिक कोऑपरेटिव की है और इसीलिए सहकारिता एक ऐसा सेक्टर है जो केवल एक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सहकारिता मतलब सबका सहयोग और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी इसी सहकारिता के आधार पर रहा, सभी वर्गों का
पिता के द्वारा शासित संचालक शासन हो। और आज दुनिया में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और दुनिया के अधिकतम देशों ने जहां जीवंत लोकतंत्र है वहां संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सहकारिता का योगदान हमारे मन विचार क्रम में हमेशा है। और इसीलिए विश्व के अंदर या भारत के अंदर जब कोई भी संकट आई, आपदा आई, उस समय संकट आपदा के समय एक सहकारिता क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसने उस संकट और चुनौतियों का सामना किया और उस संकट चुनौतियों का समाधान का रास्ता सहकारिता के क्षेत्र से निकला। आप जितने भी इस देश के अंदर या विश्व के अंदर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वहां के आर्थिक, सामाजिक, वहां की सबसे बड़ी धुरी के अंदर अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो सहकारिता का क्षेत्र है। और हमारे इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर भी हमारे चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिलाओं हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान है। आप भारत एक कृषि प्रधान देश है और कोई समय था जब कृषि की आमदनी कहीं ना कहीं बहुत कम होती थी और काफी लंबे हर्षों तक किसान फसल उगाता था लेकिन उसकी लागत ज्यादा होने के कारण और लागत के बाद साहूकार सूदखोर से ब्याज लेने के कारण वह किसान हमेशा कर्ज में डूबा रहा। इसीलिए एक लंबे समय के कालखंड तक भारत का किसान कर्ज में डूबा रहा, कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में मर गया। यह हमारा एक लंबा कालखंड रहा लेकिन उस कालखंड में से एक सहकारिता क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जिसके माध्यम से हम उस कर्ज में डूबने वाले किसान को बचा पाए। और आज कई राज्यों के अंदर कोई समय था जब इसी ग्राम सेवा सहकारी समिति पैक्स के अंदर 16%, 18%, 14%, 10%, 12%, 6% ब्याज पर लोगों को पैसा मिलता था किसानों का, लेकिन आज अधिकतम प्रदेशों के अंदर 1,00,000 से 1.5 लाख तक किसानों को 0% पे ब्याज मिलता है। वह सहकारिता के कारण आज ये नेफेड से लेकर इपको ले लें, क्रबुको ले लें, आज सहकारिता के क्षेत्र में इतनी बड़ी संस्थाएं खड़ी हुई। और आज उसका कारण है कि उसमें काम करने वाले उन्हें ईमानदारी से काम किया। और यही कारण है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को आने वाले समय के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी जो नीतियां बनाई है, पॉलिसी बनाई है, उन नीतियों कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले समय के अंदर किसान को आमदनी का पूरा मूल्य मिले, उसकी लागत कम हो, उपज ज्यादा हो, इस दिशा के अंदर काम की योजना बनाई जा रही है। लेकिन उसमें भी सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान होगा जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको सहकारिता का माध्यम से अगर जोड़ते हैं, सब गांव मिलकर एक साथ खेती करें, अच्छी उपज उगाएं, सामूहिकता से इक्विपमेंट हो, संसाधन का उपयोग ठीक से हो, तो आने वाले समय के अंदर किसान का कल्याण हो सकता है और किसान की आमदनी को भी बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए आप देख लीजिए, हमारे रूपाला जी बैठे हैं, इस देश के अंदर अगर श्वेत क्रांति और नील क्रांति
लाए तो वो सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से लाए। आज श्वेत क्रांति के रूप में अमूल हमारे सामने उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश के अंदर डेयरी फेडरेशन है जिन्होंने छोटे छोटे, मैं गुजरात गया था, गुजरात में ने देखा कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 15 किलो दूध ला रहा था, किस तरीके से छोटे छोटे दूध को लाकर एक कलेक्शन सेंटर नजदीक गांव में बन गए और उनके धीरे धीरे 10 से 15-20 हजार रुपए की इनकम शुरू हो गई। ऐसे कई सारे मॉडल जो देश में अच्छे उदाहरण है, जो उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है, रोजगार दिया है, आर्थिक तंत्र को मजबूत किया है, ऐसे उदाहरण हमें पेश करने की आवश्यकता है। ये श्वेत क्रांति भी इसका एक उदाहरण है और नील क्रांति, छोटे छोटे मछुआरों ने जहां कोऑपरेटिव सेक्टर बनाया, कोऑपरेटिव सेक्टर बनाकर उन्होंने किस तरीके से मछली उत्पादन को लाभ की दृष्टि से करने का काम किया और उन्होंने उसको प्रोसेसिंग करने का काम किया, स्टोरिंग करने का काम किया, किस ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किया, ताकि उसका मूल्य ठीक मिल सके। जब सब मछुआरे मिलकर एक साथ मत्स्य पालन करते हैं तो उत्पादन ज्यादा होता है तो मार्केट भी ठीक मिलता है, उनको स्टोरेज प्रोसेसिंग करने का भी ठीक मिलता है। तो नील क्रांति का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जब भी आपदा संकट आए, एक समय उपभोक्ता की वस्तुएं बहुत आगे बढ़ गई थी और उन उपभोक्ताओं की वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था है, सहकारी आंदोलन आया और सहकारी आंदोलन ने दुनिया के अंदर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने का काम किया, तो वह भी सहकारिता के क्षेत्र में किया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है, चाहे हाउसिंग की सोसाइटी हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे छोटे छोटे हाथ करगा हो, बुनकर हो, कई उदाहरण है, सहकारी कर्मचारी सहकारी समितियां हो। लोगों को कोई समय में ऐसा समय था जब लोग कर्ज में ही डूब जाते थे और सूदखोर ब्याजखोर से उनको 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया सैकड़े पे ब्याज लेना पड़ता था। लोगों ने सहकारिता का आंदोलन खड़ा किया, छोटी छोटी बचत की सोसाइटियां बनाई, कर्मचारी सहकारी समितियां बनाई, श्रमिक समितियां बनाई, महिला समितियां बनाई, बाल गोपाल जो समिति का उदाहरण पहली बार मेरे सामने आया, ऐसी बाल गोपाल समिति बनाई। कौन सी मेरे सामने महतो जी बैठे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहां तक पहुंच गया, महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, अन्य कोऑपरेटिव बैंक को। मैं गुजरात में गया, मैंने देखा किस तरीके से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने लोगों के जीवन को बदल गया। छोटी छोटी बचत, उसका ब्याज भी ठीक मिलना और उस बचत के माध्यम से उनको कभी आवश्यकता आती, आवश्यकता इमरजेंसी में आवश्यकता हो, बेटी की शादी हो, कुछ घर बनाना हो, कार खरीदनी हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर कोऑपरेटिव सेक्टर में लोन देकर, कम ब्याज पर लोन देकर किस तरीके से लोगों के जीवन को बदलने का काम किया। एक बहुत बड़ा सेक्टर कोऑपरेटिव का सेक्टर है, लेकिन इस कोऑपरेटिव सेक्टर में एक समय, एक कालखंड आया था जब उस कालखंड में, क्योंकि मैं भी सहकारिता क्षेत्र में रहा हूं, उस कालखंड में कहीं ना कहीं करप्शन, हमारे मैनेजमेंट में कमी, हमारी सिस्टम में बदलाव न होना, ठहराव होना, राजनीति का कहीं ना कहीं घुसना, उसके कारण एक समय आया था जब समय हम सब के लिए कोऑपरेटिव के लिए ठीक नहीं था और सहकारिता को उसी करप्शन, कुप्रबंध, पारदर्शिता के अभाव के कारण लोग सहकारिता पर सवाल उठाने लगे थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, अब समय बदल गया है और समय बदलने के साथ उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र को उदय करना है, सरकार से समृद्धि की ओर बढ़ाना है
और इसीलिए आजादी के 75 साल बाद सहकारिता का एक अलग मंत्रालय बनाया और उस मंत्रालय के अंदर जो मंत्री बनाए गए माननीय अमित शाह जी वह भी सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जब उनसे चर्चा होती है तो उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर हम सहकार से समृद्धि लाएंगे और आत्मनिर्भर भारत खड़ा करने का काम इस सहकारिता के माध्यम से करेंगे। और इसीलिए ठीक कह रहे थे चंद्रपाल सिंह जी, आने वाले इन फैक्ट्स के अंदर सहकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर जो अभी 3000 देश के अंदर कुछ इलाकों के अंदर अभी जीएसएस नहीं है, हम जीएसएस बोलते हैं, अलग फैक्ट्स बोलते हैं, अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग नाम है, लेकिन ये लक्ष्य बनाकर के इस 5 साल के अंदर हर ग्राम पंचायत पर एक फैक्ट्स होगी और एक फैक्स होगी वो उस गांव का आर्थिक मॉडल होगा जहां पर कोर बैंकिंग से लेकर उपभोक्ता से लेकर खाद से लेकर बीज से लेकर और तमाम चीजें वहां पर मिलेगी और उसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर इन्हीं फैक्स के माध्यम से परचेजिंग होगी, एमएसपी की परचेजिंग होगी और आने वाले समय में यहाँ स्टोरेज बनेंगे, भंडारण व्यवस्था बनेगी ताकि किसान को कभी माल सस्ती दर पर न बेचना पड़े। आज हमारी चिंता ये है कि गांव से जब किसान माल लेकर मंडी में जाता है तो उसमें मंडी में उसका माल ऑक्शन होता है, उसको पता नहीं रहता मेरी रेट ठीक मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर हमने ग्राम सेवा सहकारी समिति फैक्स को मजबूत कर दिया तो उसकी स्टोरेज करने की भंडारण करने की क्षमता खड़ी हो जाएगी और भंडारण करने की क्षमता खड़े होने के कारण उसको कम दाम पर उसकी उपज को नहीं बेचना पड़ेगा और उसकी उपज का उचित मूल्य होगा तो वो बेचेगा। इस दिशा के अंदर भी काम करने की आवश्यकता है और इसीलिए इन सब बातों के लिए आवश्यकता है कि हमारे सिस्टम को हम बदलाव करें, हमारी कार्यकुशलता को बेहतर करें, हमारी दक्षता को बेहतर करें, कोऑपरेटिव में पारदर्शिता आए, कोऑपरेटिव में ईमानदारी आए और ह्यूमन टच कम होते हुए किस तरीके से डिजिटलकरण की ओर बढ़ें, इस दिशा के अंदर काम करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि माननीय अमित शाह जी ने देश की सभी फैक्स को आने वाले समय में डिजिटल करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम लिया है, लेकिन इस केवल फैक्स नहीं, हम तमाम कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर हम तकनीकी का अधिकतम उपयोग करते हुए किस तरीके से बेहतर पारदर्शिता लाते हुए और एक ईमानदार कोऑपरेटिव सेक्टर खड़ा करने का काम करें, मेरा दावा विश्वास है इस भारत में जिस दिन सहकारिता के क्षेत्र में हम सब मिलकर ईमानदारी कार्यकुशलता बेहतर दक्षता खड़ा कर देंगे, दुनिया के अंदर भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएगा और हम जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें भी सबसे बड़ा योगदान इस कोऑपरेटिव का सेक्टर का होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में जो पूंजी लगती है वो सामाजिक पूंजी लगती है, गरीब से गरीब छोटे से छोटे व्यक्ति की पूंजी लगती है। इस सामाजिक पूंजी का उपयोग लोगों की जिंदगी को बेहतरीन करने का, लोगों के कामगार को खड़ा करने का, रोजगार स्वरोजगार खड़ा करने का और एक आर्थिक मॉडल सहकारिता में एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनना चाहिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मॉडल होगा। और मेरा विश्वास है कि अगर आर्थिक मॉडल सबसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है तो सहकारिता के क्षेत्र में हो सकता है और इसीलिए इस आर्थिक मॉडल की बुनियाद को नए तरीके से खड़ा करने के लिए एनसीआई ने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है और आने वाले समय मुझे आशा है कि एनसीआई इस आर्थिक मॉडल को और इकोनॉमी को और एजुकेशन को और उसके साथ साथ मजदूर गरीब छोटे लोगों को किस तरीके से सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर आत्मसलम्बन कर सकता है, इस दिशा के अंदर काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि दो दिनों के अंदर जो आपने विचार विमर्श किया सहकारिता आंदोलन की भावनाओं के साथ आप इसको मजबूत बनाएंगे, कोऑपरेटिव को कॉपरेशन के माध्यम से चलाएंगे और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर दुनिया का सबसे बेहतर मॉडल होगा जिसमें राजनीति की जगह ने समाज नीति होगी, जिसके अंदर सहकारिता की नीति होगी, सबके साथ की नीति होगी, सबके मिलकर नीति होगी, सबके सामूहिकता की नीति होगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोऑपरेटिव में एक बदलाव दिखेगा। इसी के साथ मैं एनसीयूआई के हमारे मित्र दिलीप संघानी जी को, जिनके नेतृत्व में एनसीयूआई नई गतिमान हो रहा है, और सभी सहकारिता के क्षेत्र से आए विभिन्न राज्य के प्रतिनिधियों को यही आग्रह करता हूँ, आइए हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ कोऑपरेटिव के एक नए उदय को करें और आने वाले समय में जब आज़ादी के 100 साल हो उस विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान सहकारिता के क्षेत्र का हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।